नमस्कार। पाकिस्तान की कोई पॉलिसी इस समय सही चलती दिख नहीं रही, ना उसकी इंटरनेशनल पॉलिसी, ना उसकी फिस्कल पॉलिसी, ना उसकी डिफेंस पॉलिसी। कोई पॉलिसी हमें नहीं दिख रही कि सही चल रही हो। लेकिन हाँ, एक बात तो है, पाकिस्तान सही रास्ते पे भी नहीं चल रहा। एक तरफ इमरान खान, जिन्होंने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा, यानी कि गवर्नमेंट की, और एक तरफ आर्मी चीफ जो कुछ बोले अब तक नहीं है, लेकिन हाँ, एक-एक फाइल इंटरफेरेंस पूरा है। उनकी पैनी नजर है पाकिस्तान के डेवलपमेंट्स पे, और वहां के जो ISI चीफ है, जिनके बारे में अक्सर अक्सर आदिल राजा बोलते रहते हैं कि बीमार पड़े रहते हैं, कुछ दवाइयां खा के, पता नहीं कौन सी दवाई, वो आदिल राजा क्योंकि आर्मी का ऑफिसर है, वो जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिसी ऐसी है कि सस्ता तेल वो मांगता है रशिया से और टैंक्स देता है यूक्रेन को। अभी टैक्स दिए वेस्ट के प्रेशर में ताकि एड मिल जाए। इसे बात करने के लिए हमारे साथ नेहली सरकारी जी हैं। इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके प्यारे नेहली सरकारी चैनल पे आती हैं, और इनका अपना चैनल है, और वो एक बड़ा फेमस चैनल, लोग बहुत पसंद करते हैं। ये अक्सर पाकिस्तान की बुराइयां बताती रहती है कि पाकिस्तान में कमियां क्या है, और ये भी बताती रहती है कि पाकिस्तान को क्या ठीक करना चाहिए। हालांकि इनकी बातें सुन के सऊदी अरेबिया ने काम शुरू कर दिया, नो डाउट अबाउट इट। सऊदी अरेबिया उस रास्ते पे चल रहा है जो मेहनत जी बताते हैं, पाकिस्तान नहीं चला पाए। मेहनत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज कि जी पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के पॉलिसीज कैसी चल रही हैं, कोई उसके साथ नहीं खड़ा है, फिर भी टैंक्स यूक्रेन को देता है, सस्ता तेल मांगता है रशिया से। इस पे मुझे एक वो कहावत याद आती है, वक्त पड़ने पे गधे को भी अपना बाप बना लेना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है किससे जरूरत है, किससे काम निकलवाना है, उस वक्त जो है वो भूल जाते हैं। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। जहां से काम निकलेगा वहां से वो अपना जुगाड़, जिसे कहते हैं ना हमारे वर्ड, जुगाड़ लगाई हुई है उन्होंने कि अच्छा यहाँ से ये हो रहा है तो यहाँ से हम अपॉर्चुनिटी यहाँ से उठा ले, वहां से उठा ले। आई डोंट नो कि पाकिस्तान का क्या होगा और कितने लोग उनको सपोर्ट करेंगे। लाइक मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैव जस्ट टेकन अवे देयर हैंड्स कि भाई हम तो नहीं करेंगे सपोर्ट, कर्जे में आप डूबे हुए हैं। तो वो अब जब वो कहते हैं ना डूब रहे होते हो तो आप ढूंढ रहे हो तो कोई सहारा मिल जाए, आपको कहीं से मिल जाए। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। और ये तो बिल्कुल बहुत बड़ी हिपोक्रेसी कि आप एक को टैंक प्रोवाइड कर रहे हो और दूसरे से कह रहे हो हमको सस्ता माल दे दो। यानी शर्म भी नहीं आती है हरकतें करते हुए पूछते राइट राइट। और इसी तरीके से चलते हुए इन्होंने बहुत सारे काम और किए। अभी हाल सऊदी अरेबिया के पास पहुंचे पैसे मांगने, उसने बोला भाई कितनी बार तुम ऐसे मांगोगे मुझसे, IMF से पहले पैसा नहीं आ रहा और $3 बिलियन से ऊपर जा नहीं रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अभी अगले करीब 3.5 साल में 82 के आसपास $1 बिलियन वापस करने, कहां से आएंगे किसी को नहीं पता। पार्क तक बेच चुके, मोटरवे तक बेच चुके, लेकिन पता नहीं। अच्छा, एक और बात हमें करनी थी कि इकोनॉमी गिरती जा रही है, हाउ डू यू थिंक कि क्या कभी रेमिटेंसेस से कितना चल सकता है, वो पोस्ट जैसे बोलते हैं ना मनी ऑर्डर इकोनॉमी, उससे कितने दिन तक इकोनॉमी चल पाएगी। और हमें तो लग रहा है कि खाने के लिए कुछ है नहीं है, और इस साल फसल पाकिस्तान की बहुत अच्छी नहीं हो रही है, बारिश बहुत हो रही है बिहार में। मुझे तो नहीं लगता कि किसी तरीके से बेहतर करेंगे ये। इफ एनीथिंग इट्स गेटिंग वर्स एंड वर्स फॉर पीपल। यानी एक अगर आप देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया में ही महंगाई का, मैं कहूंगी, मुझे इंडिया का इतना नहीं पता, बट आई फील द इन्फ्लेशन रेट इन कनाडा, मुझे भी यहाँ दिख रहा है। तो जो हम लोगों के लिए यहाँ मुश्किल हो रहा है, तो मुझे तो नहीं पता कि लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इन पाकिस्तान विद रिडिकुलस प्राइसेस। आटे की प्राइस आप देख लो तो कहाँ चली गई, ये सब्जियां देखो तो एक छोटी छोटी चीज है। आटा वॉज वन थिंग दैट वॉज सो चीप के गरीब से गरीब बंदा खरीद के उस पे सर्वाइव कर सकता था। मगर आप आटा भी नहीं खरीद सकते, दाल नहीं खरीद सकते। पहले चलो मुर्गी नहीं खरीद सकता था गरीब बंदा, मगर दाल रोटी तो खरीद सकता था ना वो। अब वो दाल रोटी भी नहीं आप खरीद सकते हो, और कौन देगा इनको, अब कौन बचाएगा? आई डोंट नो, आई थिंक द कंट्री इज गोइंग टू गो बैंकक्रप्ट वेरी सून। और ये पॉलिटिशियंस को परवाह नहीं, वही तो खा रहे हैं बैठ के। राइट। अच्छा, ये जो रेडिकलाइजेशन है पाकिस्तान में, उसका एक बड़ा रोल है इकोनॉमी को इस लेवल पे लाने में, एक रेडिकलाइजेशन, दूसरा आर्मी, तीसरा पॉलिटिशियंस ऐसे जिनको ये फर्क नहीं पड़ता, उनको ये फर्क पड़ता है कि मेरा इलाज अमेरिका में हो जाए, यूके में हो जाए। अभी मैडम बैठी थी, मरियम जी, तीन तीन चार महीने US में बैठी थी, आम आदमी को रोटी नहीं मिल रही, वो 3-4 महीने यूके में बैठ के अपना इलाज करा के आई। ये पॉलिटिशियंस इस तरीके के कब तक झेलता रहेगा? एक इमरान खान है, वो अपना अपनी अलग बीन बजा रहे हैं साहब, उनका
उन्हें फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान कहां जाए, वो अपना गेम खेलते हैं बस। इन पॉलिटिशियंस का क्या क्या रेडिकलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, और ऐसे पॉलिटिशियंस से छुटकारा कैसे मिल पाएगा? पॉलिटिशियंस जो रेडिकलाइज लोग हैं उनको इस्तेमाल करते हैं ना वो अपने पॉन्स की तरह के, जहां पर उनकी चीज नहीं हो रही होती है तो देन दे ब्रिंग दोस जमात इस्लामी है जो जो दूसरी पार्टीज हैं उनको लाकर खड़ा कर देते हैं जब उनको उनकी मर्जी होती है। ये बनाने वाले भी इनको वही है, आर्मीज़म अंदर ब्रॉट दीस तहरीके लबैक वाले जो लोग हैं दे वॉन्ट टू कीप दम, सो वेन एवर दे वॉन्ट टू यूज दम उनको जहाद के लिए या उनको भड़का के भेज दिया करो ताकि फिर वो डिस्टर्बेंस रहे। आम इंसान कुछ नहीं कर सकता है। आई डोंट नो कि किस तरीके से पाकिस्तान को चेंज किया जाएगा। आई गेस देयर हैज टू बी अ सिविल वॉर, क्योंकि आप देख रहे हो कब से है एक लोगों की विरासत में चल रही है। यू नो भुट्टो आ गए, फिर नवाज शरीफ की फैमिली है, अब इमरान खान घुस गए हैं। तो पाकिस्तान इज ओनली रन बाय रिच बिजनेसमैन और ये पॉलिटिशियंस, और वो जो चाहेंगे वही होगा, जितना वो खाएंगे वो खाएंगे। आप एक आम इंसान, मुझे तो नहीं लगता कि कोई हैसियत है आपकी आप कुछ कर सकते हो। हाँ सड़कों पे भी आप निकल के आ गए इमरान खान के लिए, क्या हो गया, व्हाट डिफरेंस इज दैट मेक? पर वो भेज देंगे लोगों को लाठी चार्ज करने के लिए भेज देंगे, वहां पे आपको चुप करा के बिठा देंगे। इस तरह थोड़ी है यहाँ कैनेडा में होता है। खैर कैनेडा में भी यही हुआ था, सो आई कैन इवन कंपेयर दैट, यू नो। सो अब वही बात हो गई है कि पॉलिटिशियंस के साथ आम बंदा कैसे लड़ेगा, यू कैन नॉट फाइट देम। और इन लोगों ने अपना तो देखो वही ना, लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है इन्हीं झंझटों में झंझटों में झंझटों में, और कब से किया हुआ था वो तो अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है विद आर्मी, क्योंकि अब खाने के लाले पड़ रहे हैं ना। और वाकई में जब लोग भूख से सड़कों पे मरेंगे रोहित जी, देन पीपल आर रियली गोइंग टू गेट वायलेंट, फिर इनके घरों में भी घुसेंगे और इनको घरों में से भी निकाल निकाल के मारेंगे। और ये हो चुका है, कौन सी जगह थी मैं देख रही थी उस दिन, अभी पिछले साल की बात है कि वो कौन सा पॉलिटिशियन उसके घर के अंदर घुस गए थे, अफ्रीका में कोई जगह I can't remember the name. तो इस तरह से कर करके इसी तरह से टॉपल करेंगे गवर्नमेंट को। उसमें श्रीलंका में प्रेसिडेंट के घर के अंदर घुस गए थे, उसके स्विमिंग पूल में नहा रहे थे सब के सब, श्रीलंका का रहता। अच्छा ये भी सही है, चलिए आगे बात करें तो इमरान खान ये चाहते क्या है साहब? पहली चीज तो साफ साफ बता दे, पाकिस्तान से दुश्मनी निकालनी है, कुछ क्या करना है? पाकिस्तान को उस लेवल पे ला चुके हैं जहां जुडिशियरी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही है, जैन के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पा रही, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, और ये इम्प्यूडेंटली हर ऑर्गेनाइजेशन को या हर गवर्नमेंट के हर इदारे को हर एक विंग को, चाहे जुडिशरी हो लेजिस्लेचर हो, सबको ठेंगा दिखा के बैठे हैं इधर। आई थिंक इमरान खान के बारे में फिर मैं मिसालें बड़ी अच्छी देती हूँ उनका, ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, सबको साथ में ले डूबेंगे, खुद तो वो डूब रहे हैं तो सबको साथ में लेके गए, तुम सब लोगों को मैं बर्बाद करके जाऊंगा अगर मुझे बर्बाद किया तो। वो एक जिद पड़ गई है कि गद्दी है उसको छोड़ना नहीं है, एंड ही इज पॉपुलर, मैं ये थोड़ी कहूंगी, इन्होंने जिस तरीके से आवाम को अपने पीछे लगाया हुआ है, ही इज द पॉपुलर वन एंड ही लुक्स लाइक कि उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है, राइट? हालांकि जब ये भी थे पावर में तो इनके हाथ में पावर थी, इन्होंने क्यों नहीं अरेस्ट करवाया? क्या ये सिर्फ इमरान खान ने करप्शन किए? क्या इन लोगों जरदारी ने कोई करप्शन नहीं की थी? नवाज शरीफ इन लोगों ने कोई करप्शन नहीं की थी? मगर बात यह है कि केसेस चलते हैं, अरेस्ट होते हैं, फिर देन व्हाट हैपेंस, फिर ये बाहर भाग जाते हैं। वो इतना पैसा लगता है सब चीजों में, होता क्या है किसी ने आज तक कोई सजा की है? और अगर सजा की भी है, सजा की भी है, उसके बाद भी आ गए कौन से इनसे पैसे ले लिए गए? वो तो फिर भी अभी भी इन लोगों की प्रॉपर्टीज तो है ना यूके में, नवाज शरीफ को उठा के देख लो आप, जरदारी को, जेल वगैरह गए इन लोगों ने टाइम करा, मगर इनके खजाने तो वही पड़े हैं ना। इनकी जनरेशंस टू कम आर सेट नाउ, इनकी जनरेशन बैठ के खाएंगी, और जो पाकिस्तान में लोग हैं उनकी जनरेशंस बैठ के कर्जा उतारेंगी इन लोगों का, राइट? और बुरी हालत ये है कि पाकिस्तान के लोगों को ये चिंता भी नहीं है कि होना क्या वाला है। एक बार आप सिर्फ ये बोल दो इस्लाम खतरे में है, बस सबके सब चुप हो जाते हैं, बस उसके बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोटी मिल रही है नहीं, सबके सब इस्लाम बचाने में लग जाते हैं। यही हो रहा है पिछले 30 साल से या 40 साल से, 1980 के दौर से, कि हम इस्लाम खतरे में, हम अफगानिस्तान में लड़ेंगे, इस्लाम खतरे में, हम कश्मीर में लड़ेंगे, ये लड़ाइयां लड़ के पाकिस्तान कंगाल हो गया, लेकिन इनका इस्लाम खतरे से बाहर नहीं निकला अब तक। जो जिस तरीके का ये माहौल आपने देखा होगा वहां पे पाकिस्तान में जब आप रहती थी, ये माहौल देखा होगा आपने, क्या ये मौलाना लोग वाकई में इतने पावरफुल है पाकिस्तान में कि उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता?
नो दे आर पावरफुल। हाँ वो तो है, क्योंकि वो इस्लाम इस्लाम जहाँ आ जाता है, रिलीजन जहाँ आ जाती है उसके आगे आप कुछ बोल नहीं सकते ना। मौलवी ने, अगर आपने मौलवी के खिलाफ कुछ बोला है तो वो तो फतवा इशू कर देगा फौरन, तो ये तो काफिर हो गई है, ये तो काफिर हो गया, मुर्तद हो गया, ये तो इस्लाम से खारिज है, उसका मतलब इसका अब जो है इसका खात्मा करना पड़ेगा आपको। सो इस्लाम खतरे में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, आई मीन इस्लाम तो सारी दुनिया में खतरे में है। इंडिया में आपको नहीं पता इस्लाम कितना खतरे में है, इस्लाम ऐसा लग रहा है कि वहां पे मुसलमानों की जेनोसाइड। कल मैंने इस पे शो किया है, उस पे मैं वही मैं पिंकी पीरनी बन के बैठी थी, इसके सैटायर किया था मैंने। इस्लाम तो हर जगह खतरे में, कनाडा में कौन सा सेफ है? कनाडा में अभी एक्चुअली केस आया था कि किसी स्कूल में कुरान जलाया गया, तो उस पे ये सब खड़े हो गए, ओ यूं इस्लामोफोबिया, ये इस्लामोफोबिया वो। नहीं, आप ऐसे मुल्क में आके क्यों बैठे हो जहां पर आपको पता है यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो अपनी बाइबल जलाने में उनको 2 मिनट नहीं लगते, तो आपको क्यों वो करेंगे? नॉट इवन अ मुस्लिम कंट्री, इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सेक्युलर कंट्री। अरे इस्लाम हर जगह खतरे में है, आप वहां के पाकिस्तानी वो क्या बोल रहे हैं, आप यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे आ जाते हैं सड़क पे फौरन। मैंने देखा है कि बुढ़े बुढ़े लोग, यहाँ तक हुआ है कि उठा के हाथ उठाने के लिए उस पर तैयार हो गए। सो ये जो इस्लाम का चूर्ण है, जब तक ये बेचना बंद नहीं करेंगे और एक सही लीडर आएगा, जो जैसे कि अब आप देखें सऊदी अरब में एमबीएस ने क्या क्या नहीं किया, डंडा दिया है ना एमबीएस के खिलाफ, लोग निकले पाकिस्तान में कितनी, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किए, कोई निकला नहीं, निकला ना फ्रांस के लिए, वो सब निकल आए थे, जरा निकलो ना जरा एमबीएस के लिए, सऊदी वाले ही निकल के दिखा देना जरा बाहर सऊदी अरब में, क्या ये इस्लाम हमारा जो है खतरे में डाल रहा है। इस्लाम की जो जहां से स्टार्ट हुआ बेसिकली इस्लाम, और मैं वही देख रही हूँ कि वहीं पे जाके एंड होगा इसका, वही जगह इसको खत्म करेगी। एंड बेस्ट आज थिंग दैट भी वही हो एमबीएस, रहा है। हाँ मगर बेस्ट थिंग एमबीएस कैन डू, वहां पर इस्लाम यानी वहां पे जो लोग जाकर डिगिंग अराउंड करते हैं ना फॉसिल्स फ्यूल्स और दिस, दे गो एंड दे रीड द हिस्ट्री थ्रू ऑल दिस, तो उनको वहां जाना चाहिए, एंड आई थिंक ही विल अलाउ देम टू गो अप देयर, सो देन वहां से सब पता चल जाएगा ना कि आबे जमजम का वाटर अभी तक कैसे आ रहा है, यू नो सारी वो जो चीजें हैं, यू विल ओनली बी एबल टू फाइंड दैट आउट वंस यू गो एंड यू लेट दोस पीपल गो एंड डू द रिसर्च अप देयर, और ये करना भी चाहिए। राइट राइट। अच्छा ये वहां पर अब फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं, जबकि ये लोग कश्मीर में सिनेमा हॉल बंद कराने के मूड में हैं, बंद करा चुके, लगभग बंद करा दिए थे, एक बड़ी मुश्किल से भी कुछ हुआ। और पाकिस्तान में भी सिनेमा हॉल बंद कराने के मूड में है ना, वहां पे वो फिल्म फेस्टिवल, वहां पे वो इंडियंस को बुला रहे हैं, वहां पे क्रिसमस अब मनाया जाना शुरू हो गया। पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, पाकिस्तान में अब क्रिसमस, वैसे तो कहने के लिए सारी अकलियतों को फुल फ्रीडम है, लेकिन कितनी है साफ दिख रहा है। उनके चर्च में घुस जाती है वो नन, और घुस करके उनकी ये लेडीज, और वहां घुस के नन को मारती है कि ये जमीन हमारी और तुम कन्वर्ट हो जाओ, ये हालत है। तो अगर ऐसी पोजीशन रहेगी तो पाकिस्तान कहाँ कहाँ जाता है? देखिए, और पाकिस्तान का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनको ग्लोरी मिलती है गाजी अर्तुगुल में, इनको ग्लोरी मिलती है अब्दाली में, इनको ग्लोरी मिलती है गौरी में, गजनी में, एक भी पाकिस्तानी नहीं था। एक शिप पाकिस्तान का पीएनएस टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान कर्नाटक का, यार कर्नाटक से 3 स्टेट पार करो तब तो पाकिस्तान कहीं नजर आता है, वो पाकिस्तान कभी गया नहीं। इनके पास अपने हीरोज नहीं है क्या? नहीं, कहाँ से आएंगे? द थिंग इज, ये देखिए जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना पाकिस्तानियों का, क्योंकि पाकिस्तान तो कुछ था ही नहीं, राइट? वो नया नया मुल्क बना है, अब उनको आइडेंटिटी क्राइसिस ये हुआ है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने कौन से एंसेस्टर्स को माने। अब वो हिंदुओं को मानना नहीं चाहते, हालांकि उनके एंसेस्टर्स आ तो सारे इंडिया से रहे ना आप लोग, आप लोग कौन सा अफगानिस्तान से माइग्रेट करके आए थे या ईरान से माइग्रेट करके आए थे? चलो चंद लोग आए होंगे, मगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन पाकिस्तान नाउ दे ऑल केम फ्रॉम इंडिया, और अगर आप बैक उसमें जाओगे तो सारे आपके हिंदू थे, ये कैसे मान लें? वो तो उन्होंने उनको बाप बना लिया जो उनके बाप थे भी नहीं, यानी अपने सगे बापों को छोड़ दिया है और किसी और को कह दिया कि भाई तुम हमको अडॉप्ट कर लो, तो वो तो कभी टर्की में घुस जाते हैं तो कभी कहीं और घुस जाते हैं, यू नो दे हैव नो रोल मॉडल्स ऑफ ओन। और अपने मुल्क में भी जो अच्छी अच्छी चीजें, अगर आप देखोगे हमारे जो सिंगर्स वगैरह, अब थोड़ी उनकी कदर करनी शुरू की है, या एक्टर्स की, पहले तो उनकी भी कोई कदर नहीं करता था पाकिस्तान, उनकी कदर तब होती थी जब इंडिया जाते थे, वो इंडिया होकर आते थे तब उनकी कदर होती थी, वरना यहाँ आतिफ असलम को कोई घास नहीं डालता था पहले, ये जब तक आतिफ असलम आ नहीं गया, आप देख लो अदनान समी, राहत फतेह अली खान, कौन से हमारे सिंगर्स हैं जो इंडिया गए और इंडिया ने उनको एक्सेप्ट किया है? कितने सिंगर्स इंडिया से यहाँ आके गाने गा रहे हैं? नहीं ना, तो राइट दैट कि आप अपने लिए, आप
दूसरों को अपॉर्चुनिटी देते नहीं हो, और जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है उसको भी रोक लेते हो। ये वही बात हो जाती है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये अपने आप को खुद ही तेल डाल के आग लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। और अगर अगर इस तरीके का गेम रहा, अच्छा हाँ, इनको आदत अब भी है दूसरे कंट्रीज के इंटरनल अफेयर्स में बोलने की, कश्मीर पे बोलेंगे, फ्रांस पे बोलेंगे कि वहां कार्टून दिखा दिया, अपने कंट्री में क्या होता नहीं दिखता इनको, नहीं अपने कंट्री में कितना इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है उसपे सब चुप हो जाते ना, उसपे सब चुप हो जाते। बहुत सारे ऐसे काम दिखते हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ होते दिखे हैं पाकिस्तान में, कोई नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता है पता नहीं, आई डोंट नो। अच्छा एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान को सुधारना है तो क्या उसे सेक्युलरिज्म की जरूरत है या इस्लामिक कंट्री रह के भी सुधर सकता है, मुझे आपका योर टेक। ये जो पाकिस्तान है ना, इन पाकिस्तानियों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप या तो डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म लेकर आ जाओ या आप शरिया ले आओ, दोनों साथ में आप नहीं चला सकते हो। कि डेमोक्रेसी में जो हमारा शरिया लॉ है वो चलेगा, उससे कुछ नहीं हो रहा। जैसे कि आपने कहा पाकिस्तान में होता सब कुछ है, और यही नहीं कि सब कुछ होता है, अगर अल्कोहल है, प्रोस्टिट्यूशन है या ड्रग्स है तो वो ऐसे नहीं होती यहाँ पे होती, उससे बढ़ चढ़ कर हो रही होती है, क्योंकि उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, उस पर कोई लॉ नहीं बना हुआ है। तो प्रोस्टिट्यूशन भी अगर हो रही है ना तो वो इलीगली तो हो रही है, मगर उसके लिए कोई जाके कंप्लेन भी नहीं कर सकती। अगर प्रोस्टिट्यूट के साथ कुछ हो जाए तो उसके साथ वो कंप्लेन भी नहीं कर सकती, शी हैज नो राइट, वो लॉ ही नहीं बना हुआ उसमें। ड्रग्स हो रही है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वहां छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है, यंग किड्स वर डूइंग ड्रग्स, हैवी ड्रग्स, और दारू ऐसे पीते हुए लोग कि अगले दिन दारू नहीं मिलेगी, तो अभी पी लो जितनी पी, आपकी मरी ब्रूरी मार लगी। तो हिपोक्रेसी, तो मैं कहती हूँ ना, मुनाफिकत खुद शर्मा जाती है कि कितनी मुनाफिक कौम है ये, जो सब कुछ आपका वहां पर हो रहा है, मगर आपने वही दिखाना है नहीं, हम इस्लाम के अंडर है। या तो आप शरिया कंट्री ले आए, बिल्कुल ठीक है ना, जैसे अफगानिस्तान ने किया है वो ले आओ, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान फेवर में थे, ओ अफगानिस्तान में तालिबान आ गए, राइट, तो वो कर लो। जैसे अभी मुझे उस दिन एक बंदा आगे कहता है, वो बड़ा गुस्से में है कि वहां पे सऊदी अरब में थिएटर्स खोल दिए और ये सारी चीजें हरकतें हो रही है। मैं कहा तो पाकिस्तान में तो थिएटर्स खुले हुए, वहां क्यों नहीं बंद कर रहे, उनकी मर्जी, उनके मजे बंद करा दो, अपने मजे नहीं बंद कराना। और वो जो स्टेज पे मुजरे हो रहे होते हैं, दो अनार हिल गए, ये वाले जो मुजरे हो रहे होते हैं वो होते, सऊदी अरब में हम अक्सर कोई आइडल नहीं करवाए, मगर दो अनार हिल गए, वह सारे मर्द बैठ के देख रहे होते हैं और वो हिला रही होती है, वो इस्लाम है। सो दे हैव टू डिसाइड, मैंने वो ये कहा ना, बहुत ही कंफ्यूज्ड कॉम है, इनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये हैं क्या, आए कहां से और उनको करना क्या है, ना वो यहां के रहे हैं ना वहां के रहे हैं, बीच में रह के। और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, शरिया ले आओ सबको, औरतों को बंद करो, स्कूल वगैरह बंद करो, शरिया लाओ, जिसने चोरी की उसके हाथ काटो, समझ में आई, जिसने कुछ गलती की उसे मारो, सड़क पे ले जाके बीच चौराहे पर टांगो उसको गले से, ये शरिया लेकर आओ, वरना फिर डेमोक्रेसी सीधी सीधी चलेगी, दैट्स ऑल दे कैन डू। राइट, अच्छा अच्छा, इस पूरे गेम में टीएलपी कहाँ टिकती है, कहीं टीएलपी क्या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बन चुकी है जिसके खिलाफ एक्शन ही कोई नहीं ले पा रहा? इमरान खान ने लेने की कोशिश की थी, कई पुलिस वाले और मारे गए, और कोई अब तक उसमें अरेस्ट नहीं हुआ पुलिस वाले मारने में। और टीएलपी को लाने वाले भी वही है ना, ये दे यूज देम एज देयर पॉन्स, और वो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, यूएस ने तालिबान को यूज करने की उसको कोशिश की थी, फिर वो ये गले में पड़ गए। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद टीएलपी, इन्होंने अपने उसके लिए लेकर आए थे कि हम इनको अपनी कठपुतली बना के इनको इस्तेमाल करेंगे किस तरीके से, मगर दे हैव गेन मोमेंटम नाउ, तो वो अपने अपने उसमें पावरफुल बनते जा रहे हैं। और ये अगर उस इमरान खान के दौर में जब ये निकल के आए थे बाहर, तो इन लोगों ने कोशिश की थी इनको काम करने के लिए, बट दे हैड टू घुटने टेकने पड़े थे इनके सामने। सो अगर ये जवानें आपको कंट्रोल कर रही हैं, तो आप कहाँ जाओगे, वेयर आर यू गोइंग टू गो? और टीएलपी तो आप छोड़े, जमाते इस्लामी इज अ टोटल डिफरेंट, मुस्लिम ब्रदरहुड इज अ टोटल डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, उसमें जाहिल लोग नहीं है, उसमें आपको लॉयर्स मिलते हैं, उसमें आपको डॉक्टर्स मिलते हैं, उसमें आपको टीचर्स मिलते हैं, एंड दे आर नॉट ओनली इन पाकिस्तान, दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और वो इस तरह से नहीं आते सड़कों पे निकल के, नहीं नहीं, वो आपके एजुकेशन सिस्टम में है, वो आपकी गवर्नमेंट में घुसे हुए हैं, वो वहां से अपने इस्लाम का कीड़ा जो है ना घुसेड़ रहे होते हैं हर जगह पे। सो इट इज नॉट दैट वी आर ओनली वरीड अबाउट टीएलपीज या जो जाहिल लोग हैं जिनको पता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, नहीं पढ़े लिखे लोग भी बैठे और वहां नहीं, यहाँ पे ही बैठे हुए बाहर के मुल्कों में। ये हाफिज सईद और ये मसूद अजहर जो बैठे हैं, ये सबको 72 बुरे दिखाते हैं, सबको दिलवाते हैं, खुद इन्होंने नहीं लिया, अपने बच्चों को नहीं दिलवाई वो सेम 72 बुरे।
उनके बच्चों को यही मिल गई ना, 72 हो रहे हैं, तो इसी वजह से उन्होंने कहा बाद में की क्या जरूरत है, यही मिल गई है, अब तो बच्चे इसी से काम चलाओ। ये सारा मैं वही बता रही हूँ ना आपको कि मैं उस दिन यही बात करी थी कि एक तो अल्लाह मियाँ ने औरतों को जो बनाया, राइट, अल्लाह मियाँ सोच रहे थे, कहते अच्छा मैं कैसी चीज बनाता हूँ जिसको मैं बड़ा खूबसूरत बनाऊंगा, उसके बाल भी बड़े खूबसूरत दूंगा, उसकी बॉडी भी बड़ी अच्छी बनाऊंगा, उसको बड़े अच्छे अच्छे सब कुछ दूंगा, और फिर उसको रिप्रोडक्शन का सिस्टम में दे दूंगा जिसके पीछे सारे मर्द भागेंगे, ठीक है, और ऑन टॉप ऑफ दैट उसमें प्लेजर होगा। अब फिर मैं उसे कहूंगा कि इसको ताले में बंद करके रख दो। हमको कुछ ऐसा बना दिया होता, अगली सा कोई ब्लॉब सा बना दिया होता तो कोई हमारे पे अट्रैक्ट ही नहीं होता, और रिप्रोडक्शन का कोई और सिस्टम बना दिया होता, जरूरी क्या था ये सब कुछ करके और हमको इस दुनिया में डालकर फिर को टॉर्चर करो हमको कि अब तुम बंद हो गए पीछे हो क्योंकि तुम बड़ी खूबसूरत हो और तुम्हारे पास हमारी शर्म का है जिसको प्रोटेक्ट करना है, तुम्हारी तुम्हारी नहीं तुम्हारे मोहल्ले की, तो क्या तुम्हारे पूरे मुल्क की इज्जत तुम्हारी शर्मगाह के अंदर है। क्यों, आपने देखा नहीं कि मोहल्ले में एक लड़की का रेप हो जाता है तो कहते हैं हाय देखो पूरे मोहल्ले की नाक कटा दी। ये जो चीज राइट है, इफ यू थिंक अबाउट इट, दे मेक नो सेंस व्हाट सो एवर टू से कि भाई अल्लाह मियाँ ने ये करा था या वो करा था, मगर किसको समझाएंगे आप पीपल। बट राइट आई फाइंड, आई थिंक कि देयर इज स्टिल पॉजिटिविटी। मेरी काफी पाकिस्तानियों से बात होती है, अभी मैंने चंद पाकिस्तानी लड़कियां उनके साथ भी शो किया, आपने भी किया था नायला और उनके जो रिएक्शन का शो है, जो तो आई फील वेरी गुड कि अब देखिए दूसरे लोगों को दिख रहा है, चंद लोगों के पास सेंस है, मगर वो ऐसे मुल्क में बैठे हैं जहां पर वो खुल के बोल नहीं सकते। अगर आप डेमोक्रेसी ले आओ ना पाकिस्तान में, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि 50% लोग तो इस्लाम से निकल चुके हैं, जैसे कि ईरान में हुआ है। जितना आप दबा के रखोगे, जितना आप करके रखोगे ना एक उसमें सर्कल में स्क्वायर में बंद करके रखोगे, वो बंदा उतना ही फटेगा, और जब वो फटेगा देन आपको दिख रहा है ईरान में क्या हो रहा है। सेम थिंग इज गोना हैपन इन अफगानिस्तान, पुशबैक आएगा ही आएगा। राइट और एक चीज, ये अभी पिछले 2 साल में या जब से वो कर्नाटक वाली कॉन्ट्रोवर्सी हुई तब से एक चीज तो बहुत क्लियर आई है, बहुत क्लियर आई है कि इस्लाम में हिजाब पहनना चॉइस है। ये सबने बोला, पाकिस्तानियों ने भी, इंडियंस ने भी। अगर चॉइस है तो इसका मतलब विदाउट बुरका या विदाउट हिजाब भी अलाउड है इस्लाम में, वरना वो मैंडेटरी होता। अगर मैंडेटरी नहीं है तो अल्लाह ने तो सही बनाया उसको, ये मौलानाओं ने और वो लोग जो कि इससे पैसा कमाते उन्होंने गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया। ये बात सही मान रहे हैं आप? मैं ही समझती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने जो टेक्स्ट हमें भेजा है ना उसमें वो बड़े कंफ्यूज थे, उन्होंने कोई चीज क्लियरली लिखी नहीं है। एक आयत उठाए आप उसके 10 महीने निकल सकते हैं। अब जो हिजाब की वो चीज है, अब सारी सारी मुस्लिम औरतें क्यों नहीं पहनती हैं हिजाब, चंद मुस्लिम औरतें हैं वो पूरा वो ढक के रखती हैं, चंद हैं जो आंखें दिखाती हैं, चंद हैं जो बाल कवर करती हैं, चंद हैं जो छाती पे दुपट्टा लेती हैं, सर पे दुपट्टा लेती हैं, चंद है दुपट्टा लेती ही नहीं है, राइट। अब उसमें क्लियरिटी नहीं है क्योंकि चंद अपने उस पे कॉन्टेक्स्ट में कहती है नहीं वो आपकी छाती को कवर करने के लिए है, चंद कहते हैं कि नहीं बाल कवर करने के लिए है, चंद कहते हैं नहीं सिर्फ आंखों का पर्दा है। तो भाई अल्लाह मियाँ ने ये चीज क्लियर लिखी ही नहीं ना। फिर अब जब आपको जाकर पता चलता है इन द हिस्ट्री कि ये जो सर पे ओढ़ना जो है इसके काफी सारे फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक रेगिस्तान में, आपके मिडिल ईस्ट में जहां से इस्लाम चला था, तो वहां पर औरतें तो क्या मर्द भी मुंह पे ढांकते थे जस्ट बिकॉज ऑफ सैंड स्टॉर्म्स, राइट। ये एक वो चीज थी। दूसरी चीज ये होती थी कि बैक इन द डेज जो तवाइफें होती थी एक्चुअली वो बुरका लेके बाहर निकलती थी ताकि कोई उनको रेकग्नाइज नहीं करे, ये भी एक फैक्ट है। मगर ये जो जो डिफरेंस था ना, ये बात जो हुआ था कि औरतों ने सर पे कवर क्यों करना है, वो इस वजह से था ताकि मुसलमान औरतों को लौंडियों को डिफरेंशिएट किया जा सके, क्योंकि लौंडियों को उस जमाने में हरास करते थे ये मुस्लिम लोग, आई थिंक उमर थे या अली थे, तो फिर मुस्लिम औरतें भी कर रही हो रही थी हरास। उन्होंने कहा कि नहीं हमारी मुस्लिम औरतें हरास नहीं हो तो औरतों से कहो, मुसलमान औरतों से, कि अपना सर ढको, और लौंडियां तो वहां टॉपलेस घूम रही होती थी, लौंडियों को तो शर्ट पहनने की इजाजत नहीं थी, राइट। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट इट वाज। मगर ये जो एकदम से दोबारा से हवा देना शुरू कर दिया है ना लोगों ने, हिजाब इज अ चॉइस, हिजाब इज ओनली अ चॉइस इन अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री, इन अ शरिया लॉ कंट्री सच एज ईरान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब में भी था, हिजाब वॉज नॉट अ चॉइस, इट वॉज फोर्स्ड बिकॉज दैट इज इन द शरिया कि आपने वो करना है। सो ये जो सारी ये आपके इंडिया में बैठ के कह देंगे हिजाब इज अ चॉइस, क्योंकि इंडिया चॉइस देता है ना, देयर इज अ चॉइस बिकॉज ऑफ इंडिया,
कनाडा चॉइस देता है ना, और उम्मीद है एक डिस्कशन और करेंगे अभी के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।